नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में, जिसमें हम आपको हलचल मचाने वाले स्टारों और इंडस्ट्री के हलचल से रूबरू करवाते हैं। खेसारी लाल यादव इन दिनों होली गीतों से बहुत हलचल मचा रहे हैं। इनके नए नए गीतों का इंतजार दर्शकों में भी बेसब्री से बना हुआ। इनका एक होली सॉन्ग ट्रेंडिंग में भी है। फिलहाल खेसारी लाल का एक नया गाना रिलीज होने की कगार पे, और इस गाने के बोल है होली में बरामदा में सूते के। अगली खबर काजल राघवानी से जुड़ी है, जो बहुत खुशी जाहिर कर रही है। जैसे जैसे पवन सिंह की फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया के गाने हिट हो रहे हैं, वैसी उतनी ही खुशी काजल राघवानी को हो रही है। नेपाल में खेसारी का जबरदस्त स्वागत हुआ। स्टेज शो करने दो दिन पहले नेपाल पहुंचे थे, बहुत अच्छे से स्वागत किया गया उनका। और जियो म्यूजिक पर खेसारी की फॉलोइंग सबसे ज्यादा बताई जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान से भी ज्यादा खेसारी लाल को चाहने वाले लोगों की संख्या है। अंजना सिंह की हालत काफी खराब है, क्योंकि फेस में इन्फेक्शन को लेकर पीड़ित है, और उन्होंने ये दुख सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है। अक्षरा सिंह का स्टेज शो के अलावा एक नया गाना रितेश पांडे के साथ आने वाला है। अभी तक जितनी खबरें बताई हैं उसे विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नजर। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल ने अपने गाने और अच्छी फिल्मों के बल पर बहुत कम समय में लोकप्रियता तो बटोरी ही है, लेकिन सुर्खियों में रहने का एक कारण उनका विवादों से नाम जुड़ना भी है। विवादों की बात हमेशा नहीं रहती, लेकिन उनके परफॉर्मेंस की बात हमेशा रहती है, क्योंकि हर समय उनका कोई ना कोई ऐसा गाना या फिल्मों का ट्रेलर सामने आ ही जाता है जो ट्रेंडिंग में छा जाए। होली का सीजन है और होली में सबसे पहले गाना ट्रेंडिंग में खेसारी लाल का छा गया। आप लोग अभी भी देख सकते हैं, गाने के बोल हैं भतार गई लेन दिल्ली हो। इस गाने को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना और देखा भी है। फिलहाल खेसारी लाल यादव एक और नए गाने लाने के लिए आप लोगों के बीच तैयारी में जुट चुके हैं। इसके अलावा वीडियो सॉन्ग भी आएगा। फिलहाल जो नया गाना आने वाला है आप लोगों के बीच, उसके बोल हम आपको बता देते हैं। खेसारी लाल का अगला होली गाना होगा होली में बरामदा में सूते के। जल्द ही वीडियो सॉन्ग के जरिए आप लोगों के बीच खेसारी छा जाने वाले हैं, लेकिन दिलचस्पी तो इस बात की है जानने में कि खेसारी के बाद अब किसका होली सॉन्ग ट्रेंडिंग में आता है। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल की लोकप्रियता आपने हर जगह देखी होगी। अभी तक सबसे ज्यादा लोकप्रियता उनके स्टेज शो में देखी जाती है, क्योंकि स्टेज शो में सबसे ज्यादा बवाल भोजपुरिया सितारों में खेसारी लाल का नाम ही सबसे पहले आता है। उनके हर स्टेज शो में लड़ाई, झगड़े, भगदड़ जैसी कई घटनाएं घटित हुई हैं। यही कारण है कि अपने शुरुआती दौर में खेसारी लाल ने एक साल तक स्टेज शो करना बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से ही लोगों की डिमांड पर शुरू किया। हर जगह जहाँ भी खेसारी स्टेज शो करने जाते हैं, वहाँ लाखों हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। अभी तक काजल राघवानी के साथ भी खेसारी लाल को काफ़ी बार स्टेज शो करता देखा गया है, लेकिन बीते दिन पहले नेपाल में खेसारी लाल स्टेज शो करने अकेले पहुँचे। इस दौरान उनके साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कोई हीरोइन नहीं दिखाई दी, यहाँ तक कि काजल राघवानी भी नहीं। लेकिन जैसे ही नेपाल के एयरपोर्ट पर खेसारी पहुँचे, उनके स्वागत के लिए काफ़ी सारी भीड़ वहाँ पहले से ही मौजूद थी। एयरपोर्ट से बाहर आते ही उनके गले में भारी संख्या में मालाएं, फूल देखी गई हैं। काफी सारे लोग फूलों के गुलदस्ते लिए बाहर खड़े थे ताकि वो खेसारी को दे सकें। खेसारी लाल का स्वागत इस तरह से हुआ मानो खेसारी किसी नेता से कम ना हो। अपने स्वागत को देखकर खेसारी भी काफी खुश नजर आए। उस दौरान खेसारी का लुक राजनेताओं जैसा ही लग रहा था, और ठाट बाट भी राजनेताओं जैसे ही थे। फिलहाल नेपाल का स्टेज शो सफल हो चुका है, वापस लौट चुके हैं मुंबई, और अब होंगे लखनऊ के लिए रवाना, क्योंकि वहां काजल कर रही हैं बेसब्री से इंतजार, जहां चल रही है बागी फिल्म की शूटिंग। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे बिहार प्रवासी सम्मेलन 2019 में शामिल हुए हॉलीवुड अभिनेता प्रभाकर शरण ने बताया कि एक बड़े बैनर की उनकी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग की शुरुआत बिहार से होने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल और मई में होगी। इसके लिए उन्होंने बिहार की सरकार और यहाँ की जनता से सपोर्ट मांगा है। अभिनेता प्रभाकर शरण ने पटना में संवाददाता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बिहार और लैटिन अमेरिका के बीच चेन बनाने की इच्छा जाहिर की, ताकि बिहार की फिल्मों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सके। बता दें कि मोतिहारी बिहार में पैदा हुए प्रभाकर शरण अभिनेता के अलावा लैटिन अमेरिकी देशों में बॉलीवुड फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। वहीं पहली बार बिहार आए
कोस्टारिका एम्बेसडर ने भी प्रेस को संबोधित किया और कहा कि उन्हें बिहार आकर बहुत अच्छा लगा। वो चाहते हैं कि बिहार के साथ उनका संबंध बेहतर बने और लेटिन अमेरिका और बिहार के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हो। इसके अलावा ओमान से आए दीपक ठाकुर ने कहा कि इस सम्मेलन का आयोजन पहली बार बिहार की गौरवशाली धरती पर हुआ है। इससे बिहार के उन यूथ को एक्सपोजर मिलने वाला है जो अपनी माटी से दूर गए बिना प्रदेश के विकास से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहारी होने के नाते मुझे आज यहाँ आकर गर्व महसूस हो रहा है। बिहार में इस तरह का सम्मेलन पहली बार हुआ है जहाँ विदेशों में रहने वाले बिहार के लोग इकट्ठा हुए और अपने अनुभव को शेयर किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में बिहार इन्वेस्टर और इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट खुला है जहाँ मिनिमम मार्केट कॉम्पिटिशन के साथ व्यापार किया जाता है। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए बिहार सही जगह है। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा व्यस्तम अभिनेत्रियों में शुमार की जाने वाली अंजना सिंह पुराने दौर से अभी तक अपनी लोकप्रियता वैसे ही कायम की हुई हैं। उनकी खूबसूरती का भोजपुरिया दर्शक बिल्कुल दीवाना है। एक बेटी की माँ होने के बावजूद अंजना सिंह ने अपने आप को इस तरह मेंटेन किया है कि अनमैरिड हीरोइनों को देती हैं बराबरी की टक्कर। अंजना सिंह की जोड़ी अभी तक सारे सितारों के साथ खूब पसंद की गई है। रवि किशन के साथ इनकी जोड़ी को खासा पसंद किया जाता है। यही कारण है कि बैक टू बैक 4 से 5 फिल्में रवि किशन के साथ ही अंजना ने शूटिंग की है। वैसे ये पहली बार नहीं है, अंजना हमेशा एक साथ 3 से 4 फिल्मों की शूटिंग करती हैं। हाल ही में इनकी फिल्म अर्धांगिनी की शूटिंग पूरी हुई है और फिल्म की शूटिंग बिहार से पूरी करने के बाद वापस मुंबई लौट चुकी हैं अंजना। लेकिन अफसोस, मुंबई आते ही अंजना पर गई बहुत ही ज्यादा बीमार और बीमारी हालत में ही अंजना ने शेयर की है एक तस्वीर और बताया है दर्शकों को अपना दुख। दरअसल अंजना स्किन इन्फेक्शन की शिकार हो गई हैं और उनके चेहरे पर आ गए हैं काफी सारे स्पॉट्स जिसके चलते उन्हें हो रहा है बहुत ही ज्यादा दर्द। अंजना सिंह ने तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है कि मुझे रेस्ट की जरूरत है। वेल अंजना सिंह जल्दी से ठीक हो जाए हम तो यही कामना करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको अंजना सिंह की ये सारी मेहनत देखने को मिलेगी उनकी नई नई फिल्मों में। जाते जाते बता दें कि बहुत जल्द निरहुआ के साथ अंजना की फिल्म सैया दगाबाज आप लोगों को सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी की खूबसूरत एक्ट्रेस काजल राघवानी काफी लंबे समय के बाद पवन सिंह के साथ आने वाली फिल्म मैंने उनको सनसनिया में दिखाई देंगी, क्योंकि अभी तक खेसारी लाल के साथ उन्होंने काफी सारी फिल्में भी की हैं और उन फिल्मों को दर्शकों द्वारा पसंद भी किया गया है। पवन सिंह के साथ उन्होंने जो फिल्म मैंने उनको सनसनिया की है उसकी रिलीजिंग डेट अभी तय नहीं की गई है, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले इस फिल्म के सारे गाने एक एक करके सोशल मीडिया पर रिलीज किए जाने लगे हैं। अभी तक इस फिल्म के 4 से 5 गाने रिलीज हुए हैं और उन सारे गानों को एक ही दिन में इतना खास रिस्पांस मिला है कि क्या कहा जाए। आम्रपाली दुबे के साथ एक प्रमोशनल सॉन्ग पवन ने गाया है, उसने तो रिकॉर्ड ही बना लिया है। 1 सप्ताह में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उस गाने को सुन लिया है। इसके अलावा हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ जिसे 7 घंटे के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सुन लिया। काजल राघवानी के साथ चला चला रिहर्सल करा दी गाने को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लगभग इस फिल्म के सारे गाने अब एक ही दिन में या 1 सप्ताह में ही अच्छा खासा रिकॉर्ड बना चुके हैं। पवन सिंह के जितने गाने हिट हो रहे हैं उतनी ही खुशी हो रही है काजल राघवानी को और ये खुशी सोशल मीडिया के जरिए काजल राघवानी ने शेयर भी की है। इस गाने का लिंक साझा कर उन्होंने कहा है कि प्लीज इस गाने को सुने और अपना प्यार दें। जिस तरह से काजल राघवानी ने पवन के इस गाने को शेयर कर लोगों को सुनने के लिए कहा है उसे देखते हुए ये कहना तो गलत नहीं होगा कि ये काजल को भी अपने इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं और अगर ये फिल्म पवन के साथ हिट हुई तो इसकी खुशी काजल को भी उतनी ही होगी जितनी होगी फिल्म के मेकर्स और पवन सिंह को। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है जब बॉलीवुड के सितारों की तुलना की जाए भोजपुरिया सितारों से या भोजपुरिया सितारों की तुलना की जाए बॉलीवुड के सितारों से। हालांकि दोनों इंडस्ट्री के टकराव की खबरें हमेशा जोरों पर रहती हैं क्योंकि बिहार में इन फिल्में सितारों की फिल्में आपस में टकराती ही रहती हैं। कई बार रजनीकांत की फिल्म से भी भोजपुरी सितारों की फिल्म टकराई है तो कई बार सलमान खान की फिल्मों से भी भोजपुरिया सितारों की फिल्में टकराई हैं। वेल आप लोग ये तो जानते होंगे कि भोजपुरी सिनेमा की हीरोइनें सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हैं, लेकिन सलमान खान की तुलना अभी तक पवन सिंह से की जाती रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं लोकप्रियता के मामले में हाल ही में खेसारी लाल यादव की तुलना सलमान खान से की जाने लगी है और वो भी सोशल मीडिया के लोकप्रियता के बारे में। दरअसल एक ऐप है
जियो म्यूजिक ऐप, जिसके जरिए आप अपने मन पसंदीदा सितारों को फॉलो कर सकते हैं और उनकी आवाज में उनके गाने सुन सकते हैं। जियो म्यूजिक पर सलमान खान की तुलना लोकप्रियता के मामले में खेसारी लाल से इसलिए की गई क्योंकि खेसारी लाल को इस ऐप पर फॉलो करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। आज के भोजपुरी हलचल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हलचल भरी खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।